हेलो एवरीवन, आपका अन्वेषण स्टडीज़ में स्वागत है गाइस। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट को फिल किया जा रहा है गाइस, और यहाँ पे बताया गया है आपकी एप्लीकेशन फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा 21/11/2020 से, और 20 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट रहेगी। ओके, और यहाँ पर साइट बताई गई है आपको, वेबसाइट आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, और फॉर्म फिल करने का लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे आपको कुछ क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, ये आपके एज से रिलेटेड बताया गया है, जो कि 18 to 45 ईयर होनी चाहिए, रैंक 2/01/01/2020 के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे कई डिपार्टमेंट्स में जॉब को फिल किया जा रहा है गाइस। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने इस तरीके से यहाँ पे 658 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो आप 859 पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट नेम बताए गए हैं यहाँ पे, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन, ये आपका डिपार्टमेंट नेम है, और ये आपकी कॉन्टैक्ट बेसिस पे मिलेगी आपको, और ये पोस्ट कोड है 859, और जनरल की अनरिजर्व 1 पोस्ट को यहाँ पर भरा जाएगा। और गाइज, अगर आपने इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर 658 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो अब आप इसके लिए अप्लाई ना करें। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन आर्टिस्ट ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस, आप देख सकते हैं ये आपका पे स्केल है, 868 पोस्ट कोड है, और यहाँ पे इन पोस्टों को भरा जाएगा, जो कि ब्रेकअप किया गया है पोस्ट का कैटेगरीज वाइज, और 06 पोस्टों को यहाँ पे भरा जाएगा। और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर अगर आपने 660 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो दोबारा अप्लाई ना करें प्लीज़। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड सपोर्ट्स, यहाँ पे ये बताया गया है, और 861 पोस्ट कोड है, एक पोस्ट को यहाँ पे भरा जाएगा। अगर आपने 667 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, 862 पोस्ट कोड है, और एक पोस्ट को यहाँ पे भरा जा रहा है, और ये आपका पे स्केल है। और अगर आपने 669 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया, तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें। आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे ये बताया गया है पे स्केल, और ये पोस्ट कोड है 863, एक पोस्ट को यहाँ पर भरा जा रहा है, जो कि इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर अगर आपने 676 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो वापस आप इसके लिए अप्लाई ना करें। आयुर्वेदा में ये डिपार्टमेंट है इसका, 864 पोस्ट कोड है, और 4 पोस्टों को यहाँ पर भरा जाएगा। और अगर आपने 686 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो आप इसके लिए वापस अप्लाई ना करें गाइस। फॉर्म आपको इनकी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप इसे फिल करें, और ये आपको आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके आवेदन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, और ये आपको एडवर्टाइजमेंट भी इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लेरिफाई तरीके से उसे पढ़ के फिर फिल करें। और गाइज, ये है 705 पोस्ट कोड के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो इस पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई ना करें। और ये आपकी टोटल पोस्ट है यहाँ पे, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये इनका पे स्केल है, और ये नेम है जॉब का, 866 पोस्ट कोड है, और यहाँ पे 6 पोस्टों को भरा जाएगा। और यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपने 706 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें। HP Council of Science, Technology and Environment, 867 पोस्ट कोड है, और ये 5 पोस्टों को यहाँ पे भरा जाएगा। और ये कॉन्टैक्ट बेसिस, आप इसका नेम देख सकते हैं डिपार्टमेंट का, और पे स्केल है यहाँ पे। और गाइज, अगर आपने 710 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो आप 867 पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। HP Council of Science, Technology and Environment, ये इसका पे स्केल है, ये नेम है पोस्ट का, 868 पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, तो गाइज आप इसके लिए, ये देखिए 868 पोस्ट कोड है, और अगर आपने
711 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया था, तो आप 868 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई ना करें। आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं गाइस, हिमूडा के लिए यहाँ पे ये बताया गया है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस, ये इनका पे स्केल है और 869 पोस्ट कोड है और एक पोस्ट यहाँ पे भरा जाएगा। और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर अगर आपने 716 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वेरियस डिपार्टमेंट में यहाँ पे जॉब्स को फिल किया जा रहा है, तो ये पे स्केल है इनका, ये नेमो पोस्ट और 870 पोस्ट कोड है और यहाँ पे वन पोस्ट भरी जाएगी, टेक्नीशियन एजुकेशनल वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग HP OBC अनरिजर्व की वन पोस्ट को यहाँ पे भरा जाएगा, हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे बैकअप किया गया पोस्ट का और 05 पोस्ट को यहाँ पे भरा जाएगा, जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड 01 पोस्ट को यहाँ पे भरा जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री 2 पोस्ट को भरा जाएगा, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस में 2 पोस्टों को भरा जाएगा। टोटल यहाँ पे 11 पोस्ट हैं गाइस, और अगर आपने 717 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया था तो आप 870 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई ना करें, सॉरी। ओके, और यहाँ पे बताया गया है HP जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये आपका पे स्केल रहेगा, 871 पोस्ट कोड है और ये आपका वन पोस्ट को यहाँ पे भरा जाएगा। और अगर आपने 718 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया था तो आप 871 पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। हिमफर्ड स्टोरकीपर ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस, और ये इसका पे स्केल है और यहाँ पे ये इसका पोस्ट कोड है 872 और ये बैकअप किया गया पोस्ट को, 7 पोस्टों को यहाँ पे भरा जाएगा। और गाइज अगर आपने 720 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया था तो आप 872 पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस, ये इनका नेम डिपार्टमेंट का, और यहाँ पे स्केल के बारे में बताया गया 873 और ये ब्रेकअप किया गया पोस्ट का। और अगर आपने 772 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया था इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर तो आप 873 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई ना करें। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये इसका पोस्ट नेम है और ये पे स्केल है, 874 पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो ज़रूरी है कि आप 733 पोस्ट कोड के लिए आपने अप्लाई ना किया हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किया तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें। SC अनरिजर्व एक पोस्ट को यहाँ पर भरा जाएगा, तो फोरेंसिक सर्विस ये नेम है डिपार्टमेंट का और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट और पे स्केल है 875। जनरल की यहाँ पे एक पोस्ट को भरा जाएगा। और गाइज अगर आपने 741 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें। HP जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉन्टैक्ट बेसिस है ये गाइज, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, और यहाँ पे स्केल के बारे में बताया गया है, 876 पोस्ट कोड है इसका, जनरल की वन पोस्ट को यहाँ पे फिल किया जा रहा है। और अगर आपने इस एडवर्टाइजमेंट के अंडर देख सकते हैं 2019 की एडवर्टाइजमेंट है, 744 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यहाँ पे ये बताया गया है नेम पोस्ट का और ये पे स्केल है, 877 पोस्ट कोड है और यहाँ पे 3 पोस्टों को भरा जाएगा। और हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, और यहाँ पे ये बताया गया 878 पोस्ट कोड है और यहाँ पे 7 पोस्टों को भरा जाएगा। आप इसे चेक कर लें एक बार, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 स्टोर ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस, आप इसका पे स्केल ये है और 879 पोस्ट है, जनरल की 01 पोस्टों को यहाँ पे फिल किया जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड 880 पोस्ट कोड है और यहाँ पे 2 पोस्टों को फिल किया जाएगा, ये इनका पे स्केल है, साथ में बताया गया है। और जल शक्ति विभाग में आप देख सकते हैं मैकेनिकल की पोस्टों को भरा जाएगा, ये पे है इनका,
और 881 पोस्ट कोड है, टोटल 15 पोस्टों को यहाँ पे फिल किया जाएगा। जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल से रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट को भरा जा रहा है, 882 पोस्ट कोड है और यहाँ पे 24 पोस्ट को भरा जाएगा। सिविल के अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं गाइस, अप्लाई करें जल्दी। आयुर्वेदा 883 पोस्ट कोड है और यहाँ पे एक पोस्ट भरा जाएगा, लाइब्रेरियन ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। और देखिए गाइस यहाँ पे इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स 884 पोस्ट कोड है और यहाँ पे दो पोस्टों को भरा जाएगा, और एचपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड 885 पोस्ट कोड है और चार पोस्टों को यहाँ पे भरा जाएगा, और HPSEVL में आप देख सकते हैं पे स्केल है इनका और ये नेम ऑफ पोस्ट, 886 पोस्ट कोड यहाँ है और 73 पोस्टों को यहाँ पे भरा जाएगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की। तो गाइस आप इसे जल्द से फिल करें। डीसी ऑफिस चंबा क्लर्क की पोस्टों को यहाँ पे भरा जाएगा जो कि 887 पोस्ट कोड है और यहाँ पे 19 पोस्ट को भरा जाएगा गाइस। प्लानिंग में स्टैटिकल असिस्टेंट ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस 888 पोस्ट कोड है और यहाँ पे 3 पोस्टों को भरा जा रहा है। एचपी स्टील सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड 889 पोस्ट कोड है और यहाँ पे 4 पोस्टों को भरा जाएगा स्टेनोटाइपिस्ट की, पे स्केल यहाँ पे बताया गया है। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 890 और यहाँ पे 31 पोस्टों को भरा जा रहा है गाइस। और नेक्स्ट है हमारा हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 891 और यहाँ पे 8 पोस्टों को भरा जाएगा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 892 पोस्ट कोड है और यहाँ पे 28 पोस्टों को भरा जा रहा है गाइस। स्टाफ नर्स की ये पोस्ट है, फोकस करें इसके ऊपर आप। और ये आपको मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर RNP रूल्स, तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट के यहाँ पे नंबर बताया गया है, पोस्ट कोड और ये आपका नेम है डिपार्टमेंट का और ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड के साथ में आपको नेम दिया गया है पोस्ट का और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी इसको फिल करने के लिए। तो गाइज अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये है गाइज, और यहाँ पर बात की गई है और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, ये पोस्ट कोड है आपका, इसके बिल्कुल अपोजिट बताया गया है ये। और यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन पार्ट वन रिटन टेस्ट ऑफ 85 मार्क्स, तो आपको यहाँ पे पोस्ट कोड के बिल्कुल सामने बताया गया है कि आपको क्या क्या पेपर में आएगा आपके, जो कि आपका फर्स्ट पेपर होगा। और गाइज यहाँ पे आपका पार्ट टू है जो कि एवेल्युएशन ऑफ 15 मार्क्स आपके एवेल्युएशन होंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे बताया गया है क्राइटेरिया ऑफ 15 मार्क्स। तो ये आपका डिटेल है और ये आपको मार्क्स दिए जाएंगे और ये अथॉराइज होना चाहिए इस डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और देख सकते हैं गाइस आप, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फी के बारे में बताया गया है। तो ये जनरल कैटेगरी से रिलेटेड 360 होगी आपकी फ़ीस, और जनरल IRDP फिजिकल हैंडीकैप, तो इन सब के लिए आप देख सकते हैं 120 है, और SC ST BPLs के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बताया गया है 120 फीस है। और गाइस फीमेल कैंडिडेट
तो ये देख सकते हैं गाइस, एक सर्विस मैन, इन सब के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको नो फीस है गाइस। मोड ऑफ पेमेंट, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के ज़रिए आप पेमेंट करेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे ईमेल आईडीज हैं और नंबर्स हैं, आप यहाँ पे ऑन एनी वर्किंग डेज बिटवीन 10 AM टू 5 PM तक कॉल करके पता कर सकते हैं। और यहाँ पे एडमिशन एंड रिजेक्शन के बारे में बताया गया है और एडमिट कार्ड है, सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी कंडीशन, स्क्रीनिंग टेस्ट, एग्जामिनेशन, इवेलुएशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पॉइंट है, अदर कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं गाइस। चेक लिस्ट, वेरीफाई द फॉलोइंग बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, आप अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पे स्टेप टू, फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, स्टेप टू स्टेप आपको किस तरीके से ऑनलाइन फिल करना है एप्लीकेशन को। और ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके रिगार्डिंगली। तो गाइज़ ये है आज की वीडियो। तो गाइज़ अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, और कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच गाइज़।